अब जो नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ रही है वो है अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड। तो इसको जो है वो अब आप देखते हैं। तो अमीनो एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CrCOOH H and H2N। ठीक है, ये जो सी है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, दिस आर मे बी, ठीक है, आर जो है इट मे बी सी, इट मे बी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू। ठीक है, इट मे बी सी एच टू सी एच टू सी ओ एच। ठीक है, तो इट मे बी एनीथिंग बट इट हैज टू बी समथिंग। ठीक है, एच हो सकता है, सी एच थ्री हो सकता है। ठीक है, तो ये बाकी और बाकी जो ये सी ओ एच ग्रुप है, एच है और एच टू एन है, ये तो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, आर जो है ये अलबत्त चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि हाउ इज द अमीनो एसिड कैन एक्ट एज एसिडिक एंड बेसिक। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि आपके पास है एच टू एन सी आर एच सी ओ ओ एच। ठीक है, इस नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो लोन दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो एच था, ठीक है, ये अपना प्रोटॉन जो है तो इस नाइट्रोजन को दे देगा ताकि जो नाइट्रोजन है वो संभल सके। ठीक है, तो ये बेसिक हो जाएगा, एसिड इज गेटिंग है प्रोटॉन और ये एसिडिक है, एसिड इज डोनेटिंग है प्रोटॉन। और जो स्ट्रक्चर बनेगा एच थ्री एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सी आर एच सी ओ ओ। नेगेटिव। ठीक है, अब जो है आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है और नेगेटिव चार्ज भी आ गया है। जब दो चार्जेस आ गए तो इसको जो है वो हम ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ज्विटर आयन? ज्विटर आयन इज एन आयन व्हिच हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो इस तरह जो है वो हमने इसको देखना है। और इसी तरह, ठीक है, तो ये जो ज्विटर आयन बना है This can also act as a buffer. ठीक है, buffer क्या होता है? Buffer is any solution that resists changes in pH. ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह आपने इसको अमीनो एसिड्स को देखना है। ठीक है, अब जो है रिएक्शंस की तरफ आते हैं हम, और वो है नेक्स्ट चीज हमारी रिएक्शन है और वो है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स तो हमने कर लिया था, अब हम फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स करने वाले। ठीक है, पहला रिएक्शन जो है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ एसाइल हैलाइड विद
ethanolic NH3, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं H3C(OCl+)H(NH)H और रिएक्शन होगा, और रिएक्शन जो होगा वो रूम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। कोई ऐसी खास कंडीशंस नहीं है, और आपके पास CH3C(OH)NH2 बन जाएगा जो कि एमाइड है, और HCl निकल आएगा। और जो प्रोडक्ट आपके पास बना वो क्या है, दैट इज इथेन अमाइड एंड HCl भी निकलेगा, जिसके आपको वाइट स्टीमी फ्लूइड्स मिलेंगे, वाइट स्टीमी फ्यूम्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है इस समय आपने इसको रिएक्शन को देखना है, ठीक है। अब इसी का ही एक और रिएक्शन अगर हम देखें, ठीक है, अब देखिएगा कि मैं जो हूं वो लेता हूं आपके पास है CH3 C double bond O Cl plus H N H CH3, और रिएक्शन करवाना है, ठीक है। ये जो है मैं बता दूं पहले ही, ये है आपके पास एथेनॉल क्लोराइड, और ये है आपके पास मिथाइल अमाइन, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है ये भी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, नो स्पेशल कंडीशंस, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज CH3 C double bond O NH CH3 plus HCl, ठीक है। ये आपके पास CH3 आया हुआ, ठीक है। अब इसके पास जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये जो है ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अपने जो है वो देगा, जरूर देगा, ठीक है। अब जब आपके पास यहाँ पे N के साथ CH3 आ गया है, तो इसको जो है वो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है। क्योंकि N की जगह पहले क्या था, पहले जो पीछे देखें इथेन अमाइड बना, उसमें N के साथ तो H था, ठीक है, H दोनों H थे, अब एक जो है वो CH3 आ गया, तो इसको जो है हम सब्स्टिट्यूटेड अमाइड कहते हैं, और इसका जो नाम होता है वो होता है एन मिथाइल, कि एन के साथ मिथाइल है, एंड देन वी राइट इथेन अमाइड, ठीक है। तो ये इस तरह रिएक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड विद एथेनॉलिक एनर्जी है। दूसरा रिएक्शन जो है हमारे पास वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इट इज रिएक्शन विद वॉटर, ए
सबसे पहले हम देखते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो एसिड हाइड्रोलिसिस में हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है CH3 CO NH H, और रिएक्शन आपने करवाया HOH के साथ। ठीक है, बॉन्ड जो है वो आपने तोड़ा है कहाँ से, आपने सी डब्ल यहाँ से जो है वो आपने बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, और रिएक्शन करवाया एच पॉजिटिव एक्वस के साथ और हीट हुआ और प्रोडक्ट बना CH3 C डबल बॉन्ड OOH प्लस NH3, और यहाँ पे आपके पास आके लोन पे नाइट्रोजन भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर मैं इसी NH3 को दोबारा रिएक्ट करवा दूं H पॉजिटिव के साथ एक्वस के साथ, तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये एसिड हाइड्रोलिसिस थी। अब हम कहते हैं कि यार बेसिक हाइड्रोलिसिस भी करके मुझे दिखा दें, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करने हैं ऑफ अमाइड्स आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O NH H, और आपने रिएक्शन करवा दिया बेसिक के साथ। ठीक है, और हीट किया, दूसरा रिएक्टेंट था वो NaOH था, और बॉन्ड जो है वो कहां से टूटा, बॉन्ड जो है वो टूटा यहां से, OH बॉन्ड टूटा। ठीक है, और प्रोडक्ट कौन सा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव एंड A पॉजिटिव प्लस NH3, और ऊपर दोनों के। ठीक है, और आपके पास बन गया सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं सोडियम इथेनॉइड। ठीक है, तो सोडियम इथेनॉइड बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये जो है ये आपने इसमें देखना है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन कंपाउंड्स के लिए इतना ही था, और इंशाल्लाह, और यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनिक भी हमारी खत्म हो जाती है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने घर वाकिनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।